गामाकीची माउंट मियो बोकू का टोड, गामा बुंता का बड़ा बेटा, गामा तात्सु का बड़ा भाई और नारुतो उजुमाकी का समनिंग एनिमल होता है। गारा से लड़ते हुए नारुतो साकुरा और खुद को बचाने के लिए गामा बुंता को समन करने का डिसाइड करता है, पर खराब चाक्रा कंट्रोल होने की वजह से वो गामाकीची को समन कर लेता है और फिर वो गामाकीची को गारा के अटैक से बचाता है। जब नारुतो गामा बुंता को समन करता है, गामाकीची अपने फादर को मनाता है नारुतो की हेल्प करने के लिए, ये बताकर कि गारा ने उसे मारने की कोशिश की और नारुतो ने उसे बचाया। ओरोचिमारू से लड़ते हुए जिराया गामा बुंता को समन करने की कोशिश करता है, पर सुनाडे के दिए हुए ड्रग्स की वजह से वो अपना चक्रा कंट्रोल बैलेंस नहीं रख पाता और वो गामाकीची को समन कर लेता है। फाइनली गामा बुंता के समन होने के बाद गामाकीची अपने भाई को लड़ाई से दूर भागने कहता है और खुद भी दूर जाकर वो लोग टॉन्टॉन के साथ लीफ विलेज के लेजेंडरी सानिन और उनके समनिंग एनिमल्स के बीच फाइट देखते हैं। लैंड ऑफ बर्ड्स में गामाकीची और नारुतो को गामातात्सु की जरूरत पड़ती है। गामातात्सु अपने क्यूरियोसिटी में आकर कर्स वॉरियर के काइट्स को देखता है जिनकी मदद से वो लोग उड़ रहे थे, जिसके बाद गामाकीची उन लोगों के साथ डार्क टनल में जाता है जहां नारुतो को सागी और उसके गार्ड्स पकड़ लेते हैं। लैंड ऑफ सी में नारुतो गामाकीची और गामातात्सु को समन करता है गामा बुंता को समन करने की कोशिश में। गामाकीची नारुतो को वॉर्न करता है कि उसके फादर को ओशन के मिडिल में समन करना उसके लिए बुरा हो सकता है क्योंकि टोड्स फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं। कुछ सालों बाद नारुतो गामारिकी के साथ कोऑपरेशन निंजुत्सु की ट्रेनिंग करता है, पर वो उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता, इसीलिए वो गामाकीची और गामातात्सु को समन करने का डिसाइड करता है क्योंकि वो उनके साथ पहले भी काम कर चुका था। उनके साथ सिंक्रोनाइज होने के बाद नारुतो को पता चलता है कि उन दोनों के पास वाटर रिलीज के स्किल्स नहीं है, जिसके बाद गामाकीची नारुतो के साथ मिलकर गामातात्सु को वाटर रिलीज सिखाता है। जब टीम यामातो गुरन के क्रिस्टल बैरियर में फंस जाते हैं, तब नारुतो गामाकीची और गामातात्सु को समन करता है हेल्प करने के लिए। गामाकीची गामातात्सु को फोकस रहने के लिए उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो ध्यान भटकाता है तो उसे स्नैक्स नहीं मिलेंगे, जिसके बाद गामातात्सु बैरियर्स को ब्रेक कर देता है और वो दोनों वापस माउंट मियोबो को चले जाते हैं। नारुतो उन्हें बार बार टीम गुरेन और थ्री टेल से लड़ने में उनकी हेल्प करने के लिए समन करता है। गामाकीची नारुतो को बताता है कि उनके वाटर रिलीज टेक्निक्स वाटर बेस्ड एबिलिटीज के अगेंस्ट इनइफेक्टिव रहेंगे। नारुतो कहता है कि उनके पास फायर रिलीज परफॉर्म करने के लिए कोई नहीं है। तब गामाकीची नारुतो को बताता है कि वो फायर रिलीज यूज कर सकता है, जिसके बाद नारुतो और गामाकीची एक साथ कॉम्बिनेशन जुत्सु विंड रिलीज टोड ऑयल फ्लेम बुलेट यूज करने का डिसाइड करते हैं। गामाकीची गामातात्सु को माउंट मियोबोकू से पेट भरकर टोड ऑयल लाने कहता है, जिसके बाद गामाकीची नारुतो और गामातात्सु मिलकर विंड रिलीज टोड ऑयल फ्लेम बुलेट से थ्री टेल्स पर अटैक करते हैं और फिर गामाकीची और गामातात्सु घर चले जाते हैं। माउंट मियोबोकू में नारुतो के सेंजुत्सु ट्रेनिंग के वक्त गामाकीची नारुतो के साथ ही रहता है। पेन से लड़ने के लिए कोनोहा समन होने के बाद नारुतो गामाकीची को सुनाडे को दूर ले जाने कहता है। गामाकीची सुनाडे को साकुरा के पास ले जाता है। देवापात पेन को भागते हुए देखकर गामाकीची को लगता है कि वो नारुतो से डर गया है, जिसके बाद साकुरा एडवाइस करती है कि उन लोगों को घायल हिनाता को बचाने जाना चाहिए और नारुतो के जीतने के बाद वो लोग सभी विलेजर्स के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। फोर शिनोबी वॉर में जब नारुतो गामा बुंता को समन करता है, उसकी जगह गामाकीची आ जाता है और नारुतो को बताता है कि उसके फादर बिजी थे। गामाकीची का साइज काफी बढ़ चुका था, बिल्कुल गामा बुंता की तरह, जिसे देखकर नारुतो हैरान हो जाता है। नारुतो उसे टेन टेल्स पर अटैक करने कहता है। गामाकीची जंप करते हुए टेन टेल्स की तरफ बढ़ता है और नारुतो विंड रिलीज अल्ट्रा बिग बॉल रसन शुरिकन से टेन टेल्स पर अटैक करता है। हाशिरामा नारुतो और सास्के को इंस्ट्रक्ट करते हैं ओबितो को रोकने के लिए, जो टेन टेल्स के ऊपर आ जाता है, पर उनके पहुंचने से पहले मिनातो ओबितो तक पहुंच जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गामाकीची वक्त पर नारुतो तक पहुंचता है और सास्के और मिनातो को लेकर रिट्रीव कर लेता है ओबितो के टेन टेल्स को अपने अंदर सील करने से पहले। ओबितो के अटैक से दूर टेलीपोर्ट होने के बाद गामाकीची देखता है कि
ओबितो पर एक्सप्लोजन से अटैक किया जा रहा है। गामाकीची नारुतो के पास आता है और ओबितो उन पर अंडरग्राउंड से अटैक करता है। अटैक से रिकवर होने के बाद गामाकीची नारुतो को संभल कर अटैक करने कहता है क्योंकि उनकी एक गलती उन्हें मरवा भी सकती है। गामाकीची ओबितो के नए पावर्स को देखने के बाद हैरान होकर उसे देखने लगता है जो उन्हें खत्म करने की धमकी देता है। नारुतो और सास्के के अटैक के बाद गामाकीची पूछता है कि ओबितो मरा या नहीं, जिसका जवाब ओबितो फ्लेम से निकलते हुए देता है। गामाकीची माउंट मियोबोकू वापस जाने से पहले ओबितो पर स्टार्च सिरप गन से अटैक करता है, जिसे देखकर नारुतो समझ जाता है कि ओबितो पर सेंजुत्सु बेस्ड अटैक्स इफेक्टिव रहेंगे और आखिर में वो ओबितो को हरा देते हैं। बात करें गामाकीची के पर्सनालिटी की तो गामाकीची काफी फनी था। वो ज्यादातर सिचुएशंस को लाइट हार्टेडली लेता था और सीरियस होने पर उसकी बात भी करता था। नारुतो के साथ उसका बॉन्ड बनता है क्योंकि नारुतो ने उसे गारा से बचाया था। समन होने के बाद गामाकीची सभी को जापानीज में यो और इंग्लिश में हे कहकर ग्रीट करता था। बड़े होने के बाद गामाकीची थोड़ा मैच्योरिटी शो करने लगता है और वो नॉलेजेबल भी हो जाता है ह्यूमन टोड कॉम्बिनेशन और नेचुरल एनर्जी के बारे में। फोर्थ शिनोबी वॉर में समन होने के बाद हम देखते हैं कि गामाकीची अपने फादर की तरह स्मोकिंग करना शुरू कर चुका था और उसकी पर्सनालिटी भी काफी हद तक उसके फादर की तरह हो चुकी थी, जो उसे नारुतो कहता है। पर माउंट मियोबोकू में रिवर्स समन होने से पहले वो नारुतो की लास्ट हेल्प करने की कोशिश करता है ओबितो पर अटैक करके। तो दोस्तों ये थी कहानी गामाकीची की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।